शिवसेना के सांसदों के खिलाफ जो आरोप लगे हैं रोजा के दौरान रोटी खिलाने के, उसको लेकर अब तस्वीरें दिखाते हैं आपको बीते गुरुवार की, जब महाराष्ट्र सदन में शिवसेना के सांसदों ने कैंटीन कर्मचारी को जबरन रोटी खिलाने की कोशिश की थी। ये वो तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं पूरी कहानी। तस्वीरों में सांसद राजन विचारे दिख रहे हैं जो कैंटीन कर्मचारी को रोटी खिला रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए और खुद तय कीजिए क्या हुआ महाराष्ट्र सदन में गुरुवार। चौकशी होना है, सर्वात मोठी बातमी लोकसभा मध्ये गदारोळ झालाय शिवसेना। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी तस्वीरों पर विवाद हो रहा है कि शिवसेना के सांसदों ने रोटी खिलाई IRCTC के कर्मचारी। ये है वो IRCTC के कर्मचारी जिन्होंने आरोप लगाया है शिवसेना के सांसदों पर, और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह के से शिवसेना के सांसद रोटी खिलाते हुए राजन विचारे हैं। ये सांसद शिवसेना के जो रोटी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो कर्मचारी IRCTC का रोजे पर था और उस दौरान उसे रोटी खिलाने की कोशिश की गई, और इस पर अब संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। दोनों सदन के, संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा स्थगित किए गए। कौस्तो फलटनकर एबीपी न्यूज संवाददाता इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौजूद थे। कौस्तो, क्या कुछ हुआ था, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? सुनील, ये महाराष्ट्र सदन का गुरुवार का वाक्य है जब शिवसेना के 13 सांसद महाराष्ट्र सदन पहुंचे थे अपने अलग अलग मांगों को लेकर, और जब कैंटीन में पहुंचे तब वो उनका आरोप था कि महाराष्ट्र सदन की कैंटीन में काफी घटिया किस्म का खाना मिलता है, उसकी क्वालिटी खराब है, और इसलिए वो शिवसेना सांसद मांग कर रहे थे कि कैंटीन का जो मैनेजर है वो उनके सामने है। लेकिन शिवसेना के सांसद आते ही कैंटीन मैनेजर वहां से निकल गए, जिस वजह से शिवसेना सांसद और गुस्सा हो गए। वो सीधा किचन में जा पहुंचे, वहां किचन में कुछ लोग खाना बना रहे थे। शिवसेना सांसदों ने उसमें से एक लड़के के पास गए जो रोटी बना रहा था, और रोटी उठाकर उसको बोले कि रोटी की क्वालिटी इतनी खराब है कि वह हाथ से टूटती भी नहीं है, तुम खुद इसको खा के देखो, ऐसा कहते हुए राजन विचारे और हेमंत गोडसे जो शिवसेना सांसद थे, इन्होंने रोटी उस लड़के के मुंह को लगाई, उसके मुंह में डालने की कोशिश की। अब इन सांसदों का कहना है कि ये उन्होंने जो किया वो डेलिबरेटली किया ना, पहले तो शिवसेना सांसद डिनाई करते थे कि इस तरह का कोई वाक्य ही नहीं हुआ, लेकिन अब जो फुटेज सामने आया उनका कहना था कि उनको पता नहीं था कि इस लड़के का धर्म कौन सा है और ये डिलीबरेटली किया गया अटेम्प्ट नहीं था। कौस्तोलिंग, कहा जा रहा है कि उस कर्मचारी ने अपना नाम लिखा हुआ था, नाम प्लेट जो होता है वो लगा हुआ था, उसने कपड़े पहने हुए थे, IRCTC का ड्रेस पहना हुआ था, इसके बारे में जानकारी थी सांसदों के, बावजूद उसको रोटी खिलाई गई, न मुंह में डालने की कोशिश नहीं की गई, खिलाई गई, क्या ये सही है? जी, सांसदों का इस बारे में सफाई दे रहे कि इसने कोई ड्रेस नहीं पहना था और उस पर कोई नेम प्लेट नहीं लिखी थी, लेकिन जब हम वहाँ मौजूद थे तो ये तो साफ था कि उसने जो शर्ट पहनी थी उस पर उसकी नेम प्लेट थी, लेकिन सांसद इस बात को खारिज कर रहे हैं कि इस तरह का कोई नेम प्लेट उसके शर्ट पे थी या डिलीबरेटली अटेम्प्ट किया, लेकिन ये बात सही है कि जो वो लड़का वहाँ खड़ा था उसने ड्रेस पहनी थी और उसकी नेम प्लेट भी उस ड्रेस पर मौजूद थी। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि उसको रोटी खिलाई गई थी, आप क्योंकि मौजूद थे वहां पर, तो क्या ऐसा हुआ था, उसको जबरन रोटी खिलाई गई थी या कोशिश की गई थी? जी, जब ये घटना हो रही थी तब उस वक्त हम भी वहां मौजूद थे। शिवसेना सांसद काफी गुस्से में वो रोटी हाथ में पकड़ के उसके मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो विजुअल में भी हम देख पा रहे कि अब ये साफ नहीं है कि मुंह के अंदर रोटी गिर गया, लेकिन ये साफ है कि शिवसेना सांसदों ने कोशिश की उसको रोटी खिलाने की, ये जताने के लिए कि रोटी की क्वालिटी कितनी खराब है।